दिल्ली का एम्स अस्पताल देश का पहला अस्पताल बना है जिसने 3 साल से सर्जरी के कई स्तरों को लगातार कोशिश करने के बाद पूरा करने का एक 27 वर्षीय शख्स की हद तक क्षतिग्रस्त कलाई को बनाकर उसके साथ हाथ जोड़कर एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। पूरा मामला बता दें नवंबर 2019 का है, जहां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आए एक बाएं हाथ का कारखाना कर्मचारी सुबह 5 बजे अस्पताल आया था। हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन से उसका बाएं हाथ पूरी तरीके से कुचल गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज में पीड़ित के हाथ का पंजा वाला हिस्सा काट उसे दुरुस्त रखने के लिए पैर से जोड़ दिया था। जब पंजे के ऊपरी हिस्सा बन गया तो डॉक्टरों ने पैर से जुड़े पंजे को वापस काट कर कलाई से जोड़ नॉर्मल कलाई बना दिया, जो भारत में पहली बार हुआ है। जी हाँ, 27 साल की उम्र क्या होती है, अगर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर का हाथ बुरी तरीके से कुचल उठे तो सोचिए वो मंजर कैसा होगा। घटना नवंबर 2019 की है, सुबह के 5 बज रहे थे और यूपी सहारनपुर के रहने वाले जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका बाया हाथ फॉर्म आर्म हाइड्रोलिक मशीन में पूरी तरीके से क्रॉस हो गया था। फॉर्म आर्म का मतलब अग्रभुज यानी हाथ की कोहनी से आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जख्मी हो गया था और उसके बाद पूरे देखा जाए तो पूरे 3 साल तक कई स्तरों की सर्जरी करने वाले एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने आखिरकार कमाल कर दिया। उस मरीज के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। उसका साथ ही एम्स देश का पहला अस्पताल बन गया जहां एक मरीज के लिए सफलतापूर्वक नया फॉर्म आर्म की तैयार कर दिया गया। जी हाँ, एम्स के डॉक्टरों की टीम बताते हुए उस दिन जब वो फैक्ट्री के जर्जर जिस तरीके से जर्जर हालत में वो वर्कर जो है अस्पताल आया था, कोहनी के जोर से चोट 5 सेंटीमीटर तक थी। कलाई की तरफ स्किन सॉफ्ट ट्यूजन नर्वस मसल और हड्डी चोटिल हुई थी, बाकी हाथ को उतना नुकसान नहीं पहुंचा था। फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों को हैंडल करने में हाथ का ही इस्तेमाल होता है और ऐसे में काफ़ी जोखिम होता है। इस केस में डॉक्टरों ने 3 स्टेज में आगे बढ़ने का फैसला लिया और राहत की बात यह थी कि युवक की हथेली अब भी समान स्थिति में थी, अपना फंक्शन कर रही थी। डॉक्टर मनीष सिंघल की अगुवाई में वाली प्लास्टिक सर्जरी की टीम ने मरीज की स्थिति का गंभीरता से आकलन किया। साफ हो चुका था कि यह बहुत ही जटिल केस है। हाथ जख्मी नहीं है और आगे के हिस्से यानी फॉर्म आर्म में काफ़ी चोट है, जिसके लिए अलग तरह की समस्या पैदा हो जाती है और ऐसे केस में हाथ को बचाना बेहद ज़रूरी था। और डॉक्टरों की टीम ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इसको पूरी तरीके से तैयार किया है। अब देखते हैं आगे की ये रिपोर्ट। जो नर्व्स होती हैं, जो कि हाथ में सेंसेशन देते हैं, उनको भी हमने कनेक्ट कर दिया था, जिससे कि सेकंड स्टेज में हमारा जो री इनर्वेशन टाइम होता है वो कम हो जाए। सेकंड स्टेज में जैसे मैंने बताया 2 यूनिट्स लेके हमने एक लेग से और एक थाई से पूरा 4 यूनिट क्रिएट किया। थर्ड स्टेज में उस यूनिट के ऊपर हमने हाथ को पैर में से निकालकर वापस उस यूनिट के ऊपर लगाया, तो पेशेंट का पूरा बन चुका था, उसके ऊपर हाथ भी आ चुका था। ये थोड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है पहली स्टेज का, तो आप देख सकते हैं हमारी प्लानिंग जो हमने उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में की थी। ये हाथ दिख रहा है आपको, पैर पर लगा हुआ, और ये आप देख सकते हैं कि इसको जोड़ने के लिए हमने हड्डियों के एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है जो हमने लगाया था। यूनिक क्या है कि बाकी जो पुराने केसेस हुए हैं उसमें कई जगह बाजू के पास लगाया गया हाथ को या कमर पर लगाया गया, तो प्रॉब्लम्स आती थी कि वो हिलते रहते थे और कई बार उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती थी, टूट जाती थी, तो सक्सेसफुल इतना नहीं था। तो हमने ये यूनिक ऑप्शन यूज़ किया। पैर में बहुत सारे पहली बात तो ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में पहली बार और इवन दुनिया में भी जहाँ तक हमें पता है पहली बार इस तरह का कोई केस हुआ है। तो मोटे तौर पर देखिए एक पेशेंट था जिसका कि हाथ आप मान सकते अलग हो गया, तो बीच का बाजू और कलाई के बीच में उसके कुछ भी नहीं था, तो बीच का जितना भी पार्ट होता है वो हमने बनाया। अब कैसे बनाया मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली 25 साल का हमारा युवक था, फैक्ट्री में काम करता था, किसी वजह से वो फैक्ट्री मशीन जो थी, थोड़ा सा ऑपरेशन के दौरान का वीडियो, तो आप देख सकते हैं हड्डी है, 2 मसल के यूनिट्स हैं और उसकी नर्व्स हैं। ये थाई में से जो मसल लिया गया था उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें भी नसों के साथ मसल, लेग से और थाई से टिश्यू लिया, लेग से बोन ली और सारी मसल थी, थाई से उसको बोन को कवर करने के लिए हमने टिश्यू को
यूज किया। तो एक बार में एक तरह से हम तीन जगहों पर ऑपरेट कर रहे थे, एक हाथ जहां लगा हुआ था, एक लेग और ऑपोजिट साइड का उसका थाई। और इस सर्जरी में डॉक्टर वाली को करीब 14 घंटे लगे इस वाली सर्जरी में जिसमें कि ये सारा काम हो। आप देख सकते हैं उन दोनों यूनिट को कंबाइन करके पूरा का पूरा एक फोरआर्म का यूनिट बना दिया गया है। तीसरी स्टेज जो कि 2 महीने के बाद हुई थी इंजरी के, और इसमें उस जो हमने फोरआर्म का यूनिट बनाया था उसको पहले खोला, नर्व्स वगैरह थे उनको डिसेक्ट किया, और हाथ को फिर साथ ही साथ हमारी दूसरी टीम ने हाथ को पैर में से अलग किया। निकलने के बाद देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा लेंस लिया हाथ के साथ, जिसमें कि वो जो हमने नर्व्स पहले इम्प्लांट किए थे उनको साथ में हमने लिया, जिससे आसानी से हम बाजू में उनको कनेक्ट कर सकें। और ये ऑपरेशन के खत्म होने के बाद का वीडियो, तो आप देख सकते हैं काफी सारे स्ट्रक्चर्स थे जो कि जोड़े गए सेकंड और थर्ड स्टेजेस में। फिर कुछ रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं एक्सरे में कि पूरा जो बोनी यूनियन जिसको हम बोलते हैं हड्डी अच्छी तरह से जुड़ चुकी है, और कोई जहां से हमने जो भी टिश्यू लिए थे वहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चल ना पा रहा हो या कोई दिक्कत। हमें सवाल पूछे जा रहे हैं कि 3 साल क्यों लग गए, तो बोन को यूनाइट करना था, बोन को बॉडी में अडाप्ट कर सकता है टिश्यू, नॉर्मली अच्छी बोन हीलिंग या मसल हीलिंग के बाद ही पॉसिबल होते हैं। अपने इंडिपेंडेंटली पानी देना हुआ, पेड़ों में पानी देना हुआ, फोन में चार्जर लगाना, मोबाइल फोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मोबाइल फोन की एप्लीकेशंस को यूज करना वो हमारे हालांकि इतना साफ नहीं है, लेकिन दोनों अंगूठा और उंगली के बीच में पेन भी पकड़ सकता है, दोबारा से नाम लिखा है इसने चालू कर दिया, इसलिए देख सकते हैं अंगूठा को भी इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं आपके मोबाइल फोन को ये ऑपरेट कर लेता है। ये कुछ चीजें हैं जो कि शुरू पर सोचने में बहुत इम्पॉसिबल लगती है कि पेशेंट दोबारा कर पाए, लेकिन काफी चीजें पॉसिबल हो रही है। सिमिलरली रिक्रिएशन के लिए भी इसने बैठे तो जिस पैर से किया उसका उसका फंक्शन देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सर्जरी टोटली कॉम्प्लिकेशन फ्री हुई थी डबल साइड के मरीज के। देखिए पेशेंट को इंजरी काफ़ी पहले हुई थी, मतलब 4-5 घंटे हो चुके थे, और इस दौरान 3-4 हॉस्पिटल्स में वो आ चुका था जहाँ कोई सर्जिकल इंटरवेंशन उसके लिए नहीं हुआ था, तो पेशेंट का काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था उस वक्त, और वो एक बेहोशी की हालत में हमारे पास आया था। तो ऐसी सिचुएशन सबसे पहला हमारा कर्तव्य तो होता है कि पेशेंट की जान पर कोई दिक्कत ना हो, तो जो इनिशियल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं वो हमने किया पेशेंट का, जब कंडीशन स्टेबल होने लगी तो नेक्स्ट होता है कि लिम्ब सेविंग सर्जरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो उस लिम्ब सेविंग सर्जरी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे जो हमने पेशेंट के साथ डिस्कस किए, जिसमें एक ये भी था कि पेशेंट के हाथ को काटना पड़ेगा और डिस्कार्ड करना पड़ेगा अगर जान बचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब की डिस्कशन से बाद जो फाइनल डिस्कशन था वो था कि क्या हम कुछ और कर सकते हैं इसके हाथ को दोबारा बनाने के लिए। तो इस समय जो पेशेंट के साथ थी उनकी मदर थी, तो वो भी काफ़ी ओल्ड हैं, और उनसे हमने डिस्कशन किया, तो काफ़ी चीज़ें वो नहीं भी समझ पा रही थी, पर फिर भी उनको एक फेथ था, ट्रस्ट था डॉक्टर्स पर कि आप एम्स तक आ गए हैं, इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है, तो जो डॉक्टर्स हमको बताएंगे हम उसको फॉलो करेंगे और हम ट्रस्ट के साथ में उसको आगे तक लेकर जाएंगे। तो जब बात ट्रस्ट किया जाती है तो फिर हम लोगों का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दुगना हो जाता है और हम कुछ बेटर सर्जरी कर पाते हैं। तो इसी के साथ में हमने ये प्लान बनाना शुरू किया कि हम कैसे कैसे स्टेप वाइज हाथ को बचाने के लिए सर्जरीज का प्लानिंग करेंगे। तो पहला स्टेप जो था कि हाथ को बचाना, तो उसके लिए हमने हाथ को पैर में लगाने का सोचा, पेशेंट से डिस्कस किया थोड़ा, वो पेशेंट की मदर जो थी इस बात को लेकर घबराई भी कि अगर किसी का हाथ पैर में लगा देंगे तो वो चलेगा कैसे, नॉर्मल डे टू डे काम कैसे कर पाएगा और कितने समय तक हाथ रह पाएगा, क्योंकि उस वक्त इस पर सर्टेनिटी नहीं थी, पर हमारे आश्वासन के बाद वो इस चीज़ को मान गई और उन्हें सर्जरी के लिए सहमति दे दी। तो उसके बाद हमने तुरंत पेशेंट को इमरजेंसी थिएटर में लिया और करीब 4 से 5 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद हाथ को पैर पर लगा दिया। जिस हालत में वो आए थे तो क्या उसका हाथ, वहाँ पर भी दो चीज़ें हैं इसमें, सबसे पहले तो पेशेंट का ना बाजू से लेकर कलाई के बीच का हिस्सा जिसको हम फोरआर्म बोलते हैं पूरी तरह से क्रश हो चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स यही ऑप्शन देते हैं कि अब हाथ को हम नहीं बचा सकते हैं, उसको काट कर हमको टाके लगाने पड़ेंगे। अब पेशेंट की जो रिलेटिव्स थे या जो फैक्ट्री वर्क के मालिक थे वो इस चीज़ पर अभी एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि हाथ को काटना इज़ अ बिग डिसीजन और एक यंग लड़का था, आगे लाइफ काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो उनने सोचा कि हम और हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तो जहाँ पर भी हॉस्पिटल में लेकर गए थे तो बेसिक ट्रीटमेंट किया गया था, आईवी लाइन लगाई गई थी बच्चे को, ड्रेसिंग वगैरह खोलकर देखी गई थी, दोबारा की गई थी, स्प्रिंट लगाई गई थी, इसके अलावा कोई सर्जिकल वहाँ ऑप्शन नहीं किया गया था। और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में इससे ज़्यादा अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो कुछ करना भी नहीं चाहिए। देखिए 3 बड़े ऑपरेशन हुए हैं और हर ऑपरेशन के दौरान ब्लड का रिक्वायरमेंट था। तो सबसे पहली बार जब आया था इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी इसका काफ़ी ब्लड निकल चुका था, तो उस वक्त हमको करीब 3 यूनिट्स इसको ब्लड देना पड़ा था।
उसके बाद स्टेबलाइज हो गई थी कंडीशन। वहीं दूसरा जो ऑपरेशन था 14 घंटे तो चला, वो भी काफ़ी लंबा ऑपरेशन था और इसके लिए हमने 4 यूनिट ब्लड तैयार रखा था, बट लकीली क्योंकि ब्लड लॉस सर्जरी के दौरान कम हुआ और ये यंग लड़का था, पहले रिप्लेसमेंट हो चुका था तो हमको वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरी सर्जरी जो थी इसमें ट्रांसफ़र किया था, उसमें हमने 1 यूनिट ब्लड और दिया था पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिकली हीलिंग को बेटर करने के लिए, बट अदरवाइज़ बाकी दोनों जो रूटीन सर्जरी थी उसमें इतना ब्लड का रिक्वायरमेंट नहीं रहा। जो फर्स्ट सर्जरी थी जिसमें पेशेंट ऑलरेडी काफ़ी ब्लड लॉस के साथ आया था, उसमें हमने काफ़ी ब्लड दिया इसको। अब पेशेंट एकदम पूरी तरीके से फिट है, चल हाँ, पेशेंट आपने देखा होगा वीडियोज़ में भी कि अपने नॉर्मल काम कर पाता है, दौड़ भाग सकता है, स्पोर्ट्स कर सकता है, तो डे टू डे एक्टिविटी में उसको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से भी हम टिश्यू लिया था वो एक्सपेंडेबल साइट्स बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं बॉडी में, तो उनको निकालने से उस एरिया में या फिर आपके जनरल बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक रहती है। अच्छा, क्या अब वो ठीक होने के बाद कहीं इन्फेक्शन भी हो सकता है? जी देखिए, इस तरह की माइक्रोसर्जरी खासतौर से ना दो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो होता है इनिशियल 48 आवर्स में कि जो हमने ब्लड वेसल्स को जोड़ा है उनमें से खून का थक्का जम जाए या उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलना बंद हो जाए, और ऐसा यूजुअली 48 आवर्स में हो जाता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि वो दोबारा इमीडिएटली पेशेंट को लेना होता है, कई बार उनको रिवाइज करना होता है या खून के थक्के को निकालना होता है, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। और इसका मतलब होता है कि जो आपने यूनिट ट्रांसफ़र किया है वो कई बार ख़राब हो सकता है पूरी तरह से। तो हम इसके लिए तैयार थे कुछ बैकअप प्लान्स के साथ भी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हम बैकअप में इसके लिए कर सकते हैं, बट लकीली हमारी सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ। यंग था पेशेंट तो सिचुएशन ठीक रही पोस्ट ऑपरेटिव। और बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि इन्फेक्शन होना हुआ, खून के थक्के जमा होना हुआ, या फिर बोन ठीक से ना जुड़ पाए, नर्व में जो ग्रोथ होती है वो ठीक ना हो, या फिर टेंडन्स जो है वो आसपास चिपक जाए, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो इस तरह की सर्जरी में जनरली पाए जाते हैं। तो 27 साल का ये व्यक्ति था जो सुबह हमारे पास करीब 5 बजे आया था, और इसका जो कलाई और जो बाजू के बीच का जो हिस्सा है जिसको हम फोर आर्म बोलते हैं वो बुरी तरह इंजर्ड था। हाथ इसका नॉर्मल था, लेकिन चूंकि उस बाजू से सारी सप्लाई आती है, सारी हड्डियां आती हैं, सारी मसल्स आती हैं, तो उस हाथ को बचाने का कोई कारण नहीं था जब तक हम नई बाजू उसमें नहीं बनाते। तो वो जो अंडरटेकिंग थी बेसिकली उस हाथ को बचाने के लिए हमें बाजू भी बनानी थी, जो कि असंभव सा कार्य उस टाइम पे लग रहा था। पर फिर एक डिसीजन हमने लिया उस टाइम पे कि हम अभी हाथ को बचाएंगे और फिर नई बाजू को बनाएंगे। तो वो सब विधि आपको अभी मेरे कुलीग डॉक्टर तिवारी बताएंगे कि कैसे इन लोगों ने ये काम किया। बट डॉक्टरों की जो संख्या है वो मेरे हिसाब से कम 20 से 22 डॉक्टरों की संख्या है, जो कि 3 ऑपरेशन में लगी, जिसमें एनेस्थीसिया के, ऑर्थोपेडिक्स के, प्लास्टिक सर्जरी के भी डॉक्टर शामिल थे, और हमारी पूरी फिजियोथेरेपी टीम थी। तो 3 बारी ये ऑपरेशन किया गया। एक तो पहली बारी में हाथ को दूसरी जगह पे लगाया गया, दूसरी बारी में नई बाजू बनाई गई, और तीसरी बारी में हाथ को वापस लगाया गया। और उसके बाद बड़ी लंबी प्रक्रिया एक फिजियोथेरेपी की और बोन की हीलिंग की और मसल के फंक्शन की और नर्व के फंक्शन की हुई, जिसके बाद अब हमें कह सकते हैं कि एक रीजनेबल रिजल्ट उस पेशेंट को मिल गया है। सर, कौन से साल में ये मरीज आए थे और कितने सर्जरी में कितने? उम्मीद तो जहाँ भी मरीज जाता है उनको यही लगती है कि डॉक्टर उसको ठीक कर देंगे। तो पहली जगह जहाँ गए वो उन्होंने बोला कि हम नहीं कर सकते हैं, दूसरी जगह बोला कि काटना पड़ेगा, फिर वो तीसरी जगह गए तो शायद इनके एम्प्लॉयर थोड़े एजुकेटेड थे या उनको थोड़ा आइडिया था, उन लोगों ने बोला कि नहीं आप एम्स न्यू दिल्ली जाइए। तो 3 बारी के बाद चौथी जगह मरीज हमारे पास आया, करीब 5 घंटे इस पूरी प्रक्रिया में लगे उसको, क्योंकि हम यूजुअली 6 घंटे की एक लिमिट मानते हैं सारी वैस्कुलर सर्जरीज की। ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ कि 6 घंटे ही डेडलाइन है, बट यूजुअली हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आए। तो चूँकि उस टाइम में आ गया हमारे पास तो इसीलिए हम ये प्रक्रिया उसके ऊपर कर पाए। क्या नाम था मरीज का सर? मरीज का नाम अवनीश था। उसके परिवार में बात हुई, उनकी मदर क्या उम्मीद से? तो जब भी कभी हमारे पास पैर की इंजरी लेके, हाथ की इंजरी लेके, सबसे पहले तो उनका यही कारण होता है कि ये पैर काटना तो नहीं पड़ेगा, ये हाथ काटना तो नहीं पड़ेगा। उसके बाद उनकी उम्मीद होती है कि ये छोटा बच्चा है 25 साल का, ये क्या क्या अपने आप कर पाएगा और कितना डिपेंडेंस इसका अपने पेरेंट्स के ऊपर होगा। तो देखिए, एक रोल रिवर्सल होता है जिसे हम बोलते हैं अपनी साइंस में, कि यह होता है कि जब पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो बच्चे उनका ध्यान रखते हैं, बट ऐसी कंडीशंस में जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को लाइफ लॉन्ग उनका ध्यान रखना पड़ता है और पूरा रोल एक रिवर्स हो जाता है।
तो ऐसी फैमिली जहाँ मदर को उसकी हेल्प चाहिए या फादर उसकी हेल्प चाहिए, उसमें वो उसकी हेल्प करें, तो एक फैमिली को मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी राहत होती है अगर वो हाथ उसका दोबारा काम करने लगे। तो ये एक बहुत ही, कहने के लिए तो एक एक ऑपरेशन है, लेकिन देखा जाए तो एक फैमिली का पूरा एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है। और मदर की ये एक्सपेक्टेशन थी कि क्या अपना ये काम अपने आप कर पाएगा, बहुत ही मुश्किल सवाल था कहने को, तो एक माँ जिसको उतनी एजुकेशन भी नहीं है वो सवाल पूछती है। लेकिन टेक्निकली इसका आंसर देना कि हाथ काम कर पाएगा हमारे लिए उस समय पर बहुत मुश्किल था। एश्योरेंस तो मरीज को देते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में दुविधा रहती है कि कहीं हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।